मंगलपुर और अमीरपुर गांव के बीच में एक भूतिया जंगल पड़ता था, जिसमें बहुत सारे भूत रहते थे। जो भी उस जंगल से गुजरता था, भूत लोग उसे मार देते थे। इधर बिहार शरीफ में इमली और इमली का परिवार रहता था। इमली एक छोटी और प्यारी लड़की थी। एक बार की बात है, इमली अपने दादा दादी से मिलने अपने माता पिता के साथ मंगलपुर गांव के लिए रवाना होती है। मंगलपुर जाने के लिए इमली को उसी भूतिया जंगल से जाना पड़ता है। जंगल बहुत डरावना होता है और वहां अजीब किस्म की डरावनी आवाजें आती रहती है। तब इमली अपने मम्मी पापा से बोलती है, मम्मा मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, हम लोग हैं ना, बस कुछ दूर और चलते ही तुम्हारे दादाजी का घर आ जाएगा। कुछ दूरी पर बहुत सारे भूत पेड़ पर बैठकर बात कर रहे थे। अरे बहुत दिन हो गए हैं किसी इंसान को मांस खाए हुए। कुछ लोग आ रहे हैं, चलो इनका शिकार करते हैं। तभी सारे भूत लोग इमली और उसके मम्मी पापा के पास पहुंच जाते हैं। कुछ भूत इमली के पापा को पकड़ लेते हैं और कुछ उसकी मम्मी को। तभी इमली वहां से भागने लगती है। तुम लोग इन दोनों को पेड़ से बांध दो, मैं उस छोटी बच्ची को पकड़ कर लाता हूँ। फिर एक भूत इमली के पीछे चला जाता है और इधर इमली के मम्मी पापा को पेड़ से बांध दिया जाता है। उधर वह भूत इमली के पास पहुंच जाता है। तब इमली बोलती है, भूत अंकल मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। वह भूत दयालु होता है और इमली से बोलता है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और वापस यहाँ मत आना, वरना मारी जाओगी। भूत अंकल मेरी मम्मी और पापा कहाँ हैं और उनका क्या होगा, उनको भी आप वापस ला दो ना। देखो बेटी, उनको वापस लाना संभव नहीं है। अगर मैं उनको बचाने जाऊंगा तो वे लोग मुझे भी मार डालेंगे, इसलिए उनको भूल जाओ। कोई तो उपाय होगा भूत अंकल। हाँ, तुम मंगलपुर जंगल में जाओ और वहाँ के मंदिर में रहने वाले साधु महाराज से विनती करो। फिर इमली भूत अंकल को धन्यवाद बोलकर जल्दी से भागते हुए मंगलपुर के मंदिर में साधु महाराज के पास पहुँचती है और साधु महाराज को सारी बात बताते हुए मदद मांगती है। फिर साधु महाराज इमली की मदद करने की सोचते हैं और इमली को जादुई शक्तियां प्रदान करते हैं और इमली से बोलते हैं, जाओ बेटा वापस भूतिया जंगल में, कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, अपने माता पिता को बचा लो। रास्ते में उसको सबसे पहले हरी चुड़ैल मिलती है और दोनों में लड़ाई होती है। फिर इमली अपनी जादुई शक्ति से हरी चुड़ैल को मार डालती है। फिर आगे जाने पर वह देखती है कि उसके मम्मी पापा पेड़ से बंधे हैं और वहाँ पर बहुत सारे भूत भी हैं। फिर सभी में से एक भूत इमली को पकड़ने आगे बढ़ता है। तभी इमली उसको जादुई शक्ति से मार डालती है। इमली और सभी भूतों में लड़ाई होती है। इस तरह इमली सभी भूतों को अपनी जादुई शक्ति से मार डालती है और अपने माता पिता को बचा लेती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।